गौरव सब, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे बहुत देर से, कहिएगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भाजपा बहुत खुश है और लोगों को ज्वाइन कराकर, दो तीन लोगों को ज्वाइन कराया, उससे भाजपा पूरा प्रचार कर रही है टेलीविजन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और तमाम माध्यमों से। लेकिन एक ज्वाइनिंग अभी इलाहाबाद में हुई थी, शायद भाजपा प्रवक्ता जी को याद होगा, जिससे इनके भाजपा सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी जी नाराज हो गए। तो इस तरह की ज्वाइनिंग है, जो विचारधारा, विपरीत विचारधारा के लोगों की ज्वाइनिंग जो कराते हैं, तो इसका परिणाम यही होना है। और मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ औरैया जनपद में एक दिव्यापुर नगर पंचायत है जिसके निवर्तमान चेयरमैन भाजपा से थे, जो आज भाजपा छोड़ के हमारी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। एक मलियाबाद है लखनऊ की नगर पंचायत जिसके निवर्तमान चेयरमैन समाजवादी पार्टी से थे, वो आज हमारे बहुजन समाज पार्टी पे आस्था रखकर आज बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी क्या कमाल कर पाएगी निगम चुनाव में? अगर आप समाज से भी लोग आ रहे हैं, बीजेपी से भी लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी में, तो क्या कमाल कर पाएगी बीएसपी यहाँ पर? कुछ तो दिख रहा होगा बीएसपी में अगर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आगामी निकाय चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन मेरी उम्मीद के अनुसार और बहुजन समाज पार्टी की उम्मीद के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उम्मीद के अनुसार बहुत अप्रसिद्ध प्रदर्शन करने वाला है, जो लोगों को चौंका देगा। ठीक, चलो, लोगों को बीएसपी भी चौंकाएगी इस बार। एसएन साहब, जो बात कही जा रही है यहाँ पर, क्योंकि पार्टी में ज्वाइनिंग आपके हुई है, लेकिन ये बात किससे छुपी नहीं है कि आपके मंत्री साहब नाराज हो गए थे यहाँ पर विपरीत, तो ये फिर ऐसी स्थितियां आपकी पार्टी में भी क्यों बन रही है? क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो शायद आगे दिक्कतें आप लोगों के लिए भी हो सकती है, भले ही आपकी पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव साहब कह रहे हैं कुछ लोग आपकी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीजेपी काफी उत्साहित हो रही है इसको लेकर। देखिए, पार्टी तो माँ होती है और परिवार का मुखिया जो भी तय करता वही सही होता है। प्रयागराज में हम उमेश चंद, गणेश केसरवानी क्या है, हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, उनको टिकट देने का कार्य किए। और जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे बहुजन समाजवादी पार्टी के, तो राजनीति में आना जाना लगा रहता है, राजनीति में आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टी के सभी लोग टूटकर अगर दूसरी पार्टी में भागने लगते हैं, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी बिल्कुल अब विलय के कगार पे हो गई है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, कोई कैडर नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, उपचुनाव लड़ते नहीं, कहीं जाते नहीं, कुछ दिखता नहीं, तो मुझे लगता है कि उनको चिंता अपनी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो रणनीति निश्चित तौर पे अच्छी रणनीति है, इसी नाते हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करके 2014 से 17 में, 19 में, 22 में भारी जीत प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जिस रणनीति पे आप जीत प्राप्त करते हैं उसको खराब रणनीति मानी जाती है। खराब रणनीति उन लोगों की होती है कि जिसके पार्टी में केवल परिवार के लोग प्रचार करते हैं, एक ही मुखिया होता है, समाज का कोई नेतृत्व नहीं करता है, और जब उनकी सरकार रहती है तो समाज पे विपत्ति आ जाती है और केवल उनके परिवार का विकास हो जाता है। तो निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में विकासवादी राष्ट्रवादी सरकार है, कोई दंगे नहीं हुए, कहीं अपहरण नहीं हो रहा है, कहीं कर्फ्यू नहीं लग रहा है। तो जब ऐसे कार्य करेंगे, आवास विकास के कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता आपको चुनेगी। और हमारे कहने से या किसी के कहने से जनता नहीं जाएगी। जनता ये देखती है कि पहले 3-4 जिले में बिजली आता था, अब सभी जगह आ रहा है। जनता ये देख रही है कि पहले कूड़े कचड़े का ढेर लगा रहता था, अब सभी लोग एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे भी एसएन सिंह को या आपको भी कुछ फेंकना होता है कि कूड़े दान करती है। इस तरह के प्रयास, बार बार प्रयास करके जनता का भरोसा जीतने का कार्य किया गया। हर घर जल नल योजना के द्वारा सर्वाधिक घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने का कार्य किया गया। एक गरीब अगर बीमार पड़ता है तो 5 लाख रुपए उसको दवा के लिए दिया जाता है। ठीक, यानी कि कुल मिलाकर जनता आपके काम पर आपको वोट करेगी, जो काम एसएन साहब अभी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। कीर्ति साहब से मैं जवाब लूंगी, लेकिन गौरव साहब जवाब देना चाह रहे थे उनकी बात का, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर कीर्ति साहब के पास चलते। जैसा कि एसएन साहब ने कहा अभी कि दूसरे के दल के लोग आते हैं, दूसरे दल के लोग जाते हैं, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, मेरे विधायक ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि आज सत्ता पक्ष में 50% लोग बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा के लोग हैं। आज विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो बहुजन समाज पार्टी के नर्सरी से निकले हुए लोग हैं। ठीक, ठीक है कीर्ति साहब, चाहे आपके उप मुख्यमंत्री जी हो, चाहे नंद गोपाल नंदी जी हो, और तमाम ऐसी फेरिस्त है। ठीक कीर्ति साहब,
क्योंकि आप लगातार एसएन साहब को भी सुन रहे हैं, एसएन साहब कह रहे हैं जनता हमें अपने काम के आधार पर वोट करेगी और हमने काम कराया, अब अपराध नहीं है यहाँ पर, माफिया राज नहीं है, इसलिए लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है उसकी नीतियों के कारण बीजेपी ज्वाइन कर रही है। और सवाल ये भी है कि आपकी पार्टी के जो सीनियर लीडर है, जब भी कुछ बात होती है तो सबसे पहले जो अपना वक्तव्य रखते हैं, सबसे पहले जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं बर्क साहब, उनको भी आप नहीं मना पा रहे, उनको ही आपने नाराज कर दिया, उनको नजरअंदाज कर दिया हाईकमान ने। देखिए एसएन सिंह साहब को यह भी बताना चाहिए जो गौरव रघुवंशी जी ने सवाल खड़ा किया, हाँ। नंदी साहब को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, नंदी साहब क्यों नाराज हैं? सर उसका जवाब लेंगे, लेकिन नंदी साहब उनके कैबिनेट मंत्री हैं, उसका जवाब, उनका जवाब मैं बता रहा हूँ, उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात, लगातार परिवारवाद की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में इनका दो दलों से गठबंधन है, उसमें कौन नेता है? पिता पुत्र, पुत्र निषाद पार्टी, पति पत्नी है अपना दल, यही तो पार्टी है उनकी। परिवारवाद के पोषक लोग परिवारवाद की आलोचना कर रहे हैं, ठीक। ये लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर बड़ा विकास किए थे तो उधार के उम्मीदवार क्यों खोजने पड़ रहे हैं, दूसरे दल के उम्मीदवार क्यों खोजने पड़ रहे हैं? ठीक, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं, दूसरे के कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते? जनता ये सब देख रही है, ढकोसला है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल देश की सबसे बड़ी पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के भरोसे चुनाव लड़ रही है। जनता सभी पार्टियों को देख रही है, क्या काम किया जा रहा है, किस तरीके से नीति हो रही है यहाँ पर, और वाकई में जनता के हाथ में चुनाव है, जनता जो है वो फैसला करेगी, जनता जिसको चुनेगी वो सर्वोपरि होगा। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।